हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारी ये वाली जो सारी वीडियोस चल रही हैं वो सारी थ्योरीज़ के ऊपर चल रही हैं। आप बाकी थ्योरीज चेक करने के लिए प्रीवियस वीडियोस जो अपलोड हुई होंगी चैनल पे, आप उनको चेक कर सकते हैं। सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आज जो हम अपनी थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लोब लर्निंग थ्योरी, यानी कि क्लोब की थ्योरी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाता है कि क्लोब की थ्योरी किससे रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है, जो क्लोब ने अपनी थ्योरी दी थी ना, वो अनुभवों पे बेस्ड थी। मतलब उन्होंने एक्सपीरियंसेस पर ज़्यादा जोर दिया था कि इंसान के जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या है वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसकी लर्निंग में वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो क्लोब ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स दिए थे क्लोब ने, तो उसमें किस बात पे उन्होंने बात कही थी, एक्सपीरियंसेस पे कही थी। ठीक है, यानी कि अनुभव। क्लोब ने बोला था कि हमारे इंसान के जितने भी अनुभव होते हैं, जो हम पहले सीख चुके हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसी से हम अपनी नई लर्निंग करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको नई लर्निंग से पहले आपकी प्रीवियस नॉलेज काम ना आए। या किसी भी चीज़ में अगर आप मार्केट भी जाते हैं तो आपको पता होता है कि मार्केट का रास्ता क्या है, वहाँ पर आप पहले जा चुके होते हैं, तो वो भी क्या है, आपकी प्रीवियस नॉलेज थी, जो आपके एक्सपीरियंसेस थे वो उसी को आप नहीं उसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज के जो अनुभव आप पहले ले चुके हैं, उसके द्वारा नई लर्निंग करने के लिए जब वो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, तो क्लोब ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसी को माना है। और सेकंड चीज इन्होंने बोली थी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, जो क्लोब ने सेकंड चीज़ बोली थी वो उन्होंने बोला था कि सबसे पहले तो बच्चे के अनुभव, यानी कि जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसको न्यू लर्निंग करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। और दूसरी चीज़, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे की होनी चाहिए, यानी कि अमूर्त चीज़ों के बारे में उसको सोचना या विचार करना सबसे ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जितना बच्चा किसी अमूर्त चीज़ की, ये मूर्त है मतलब ये कॉन्क्रीट है मेरे सामने, अगर मैं बच्चों के सामने रख दूंगी तो बच्चे इसकी शेप कलर वगैरह सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको छुपा लूँगी और मैं बोलूँगी ब्लैक मार्कर के बारे में बताओ, तो बच्चे फिर भी अगर वो सोच कर उसके बारे में बता दे कि उसका कलर क्या है, उसकी शेप कैसी होती है, ये सारी चीज़ें, तो वो हो गई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। यह कॉग्निटिव थिंकिंग के लिए उसको यूजफुल करके हम लर्निंग बच्चे के लिए करवा सकते हैं। अब क्लोब ने ये क्यों कहा था कि ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे की करवाते हैं तो उससे वो बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा सोचेगा तो उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा शार्प होगी। अगर आपको सामने कोई चीज़ दिखा कर आपको बता दूँ ये चीज़ ये है, इसका कलर ये है, ये चीज़ें ये हैं, तो बच्चा ईजीली आपको बता देगा, क्योंकि वो चीज़ उसके सामने है। लेकिन अगर बच्चा आपको सोच के विचार करके या कुछ अपने माइंड में थॉट्स बना के आपको बताए, तो उससे क्या होगा, उसकी मेंटल एबिलिटी शार्प होती है, उसकी सोचने की पावर, थिंकिंग पावर, ये सारी चीज़ें क्या है, उसकी एबिलिटी और शार्प होगी। तो इसीलिए क्लोब ने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, हमें उस पर ध्यान देना है, और उसके बाद जो उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, हमें सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान देना है। ठीक है, अब इसको जो क्लोब ने अपनी थ्योरी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, वो दो चीज़ें रखी थी इन्होंने। एक थी लर्निंग साइकिल और दूसरी थी लर्निंग स्टाइल। ठीक है, ये दो चीजें इन्होंने दी थी कि लर्निंग साइकिल के थ्रू बच्चे को हम सिखा सकते हैं, और लर्निंग स्टाइल, यानी कि हर चीज़ का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, सीखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अधिकम का तरीका और अधिकम का चक्र दोनों का अलग होता है। ठीक है,
साइकिल मीन्स चक्र और स्टाइल मतलब तरीका, ठीक है, दोनों का अलग अलग होता है। अब लर्निंग साइकिल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, वो देख लेते हैं कि किस कैसे डिवाइड किया गया था। फर्स्ट इसके अंदर रखे थे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस यानी कि मूर्त अपने अनुभव, ठीक है। इसके अंदर बच्चा क्या करता है कि जो भी कॉन्क्रीट चीज़ हमारे सामने उपस्थित होती है उसके बारे में सोचता है और डायरेक्ट आपको आंसर करता है। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसकी शेप क्या है तो वो बता सकता है, इसका कलर क्या है वो बता सकता है, ठीक है। तो कॉन्क्रीट के अंदर जो हमारे नए पुराने अनुभव होते हैं उनको हम नए अनुभवों में यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। अगर मैं अब आप यहाँ पे नोटपैड के बारे में पूछूँ इसका कलर क्या है तो बच्चा से बता सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्क्रीट चीज़ जो आपके सामने उपस्थित है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, आपने देख कर पता कर लिया कि इसकी ये चीज़ ये है ये चीज़ ये है। लेकिन जब आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जाओगे उसके नेक्स्ट लेवल पे तो वहाँ पे आपके बारे में अगर मैं पूछूंगी कि नोटपैड के कलर क्या क्या होते हैं तो आप बता सकते हैं वो किसी भी कलर का होता है, वाइट ब्लैक ब्लू ये सब, तो इस तरीके से आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रखा था रिफ्लेक्टिंग ऑब्जर्वर, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बताया गया था वो बताया गया था अंडरस्टैंडिंग को, मतलब रिफ्लेक्टिंग ऑब्जर्वेशन के अंदर जो हमारा लर्निंग साइकिल है उसके अंदर पहले बच्चा कॉन्क्रीट चीज़ को देखता है, समझता है कि वो क्या है, फिर उसको अंडरस्टैंड करता है कि वो चीज़ क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी शेप क्या है। फर्स्ट तो कॉन्क्रीट चीज़ मैंने दिखा दी कि एप्पल दिखा दिया, ठीक है। सेकेंड उसमें वो ऑब्जर्व करेगा उसको कि एप्पल की शेप क्या है, एप्पल का कलर क्या है, वो सारी चीज़ें सेकेंड स्टेज में आएंगी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन कि बच्चा कॉन्क्रीट चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करेगा कि उसका कलर क्या है, उसकी शेप क्या है, या कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं वो सेकेंड चीज़ में सेकेंड स्टेप में उसके बारे में अंडरस्टैंड करेगा। इसकी मैं यहाँ पे की पॉइंट डाल देती हूँ, अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, तो थर्ड स्टेप इसके अंदर आता है अब एब्स्ट्रैक्ट कंसोल्यूशंस, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्टलाइजेशन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्टलाइजेशन के अंदर क्या आता है कि चिंतन एक नए विचार को जन्म देता है, वो पूर्व आमूर्त संप्रत्यय का संशोधन करता है। मतलब इसके अंदर आता है कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्टलाइजेशंस के अंदर, सॉरी कॉन्सेप्टलाइजेशंस के अंदर ये चीज़ बोली जाती है कि बच्चा जब को एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के बारे में, अब उसके सामने वो चीज़ जब उपस्थित नहीं होती है उसके बारे में सोचना लगता है तो उसकी थिंकिंग को के ऊपर जोर पड़ता है, तो यानी कि उसकी थिंकिंग पावर डेवलप होती है, उसकी चिंतन शक्ति डेवलप होती है। बच्चा किसी भी चीज़ के बारे में उतना विचार करना, सोचना, अपने शब्दों को ढालना सीख जाता है कि किसी चीज़ के बारे में मुझे कैसे बोलना है, कैसे सोचना है। अगर अभी मैं बताऊँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ कि छतरपुर मंदिर के बारे में, फर्स्ट उसने बच्चे ने छतरपुर मंदिर देखा होगा, फिर उसको अंडरस्टैंड किया होगा कि इसकी शेप कैसी है, यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं, इसका कलर कैसा है, इसका रास्ता कैसा है, बाकी चीज़ें। फिर उसने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट, जब वो घर पे आ गया तो उससे पूछा गया कि अच्छा आप छतरपुर मंदिर गए थे वहाँ पे क्या क्या था बताओ उसके बारे में, तो वो खुद अपने शब्दों के माध्यम से बताता है कि वहाँ पे छतरपुर मंदिर छतरपुर में था, उसका कलर कैसा था, वहाँ के जाने का रास्ता कैसा था, वहाँ पे कौन कौन से मंदिर थे अंदर, वहाँ पे कौन कौन सी मूर्तियाँ रखी थी, वो सारी चीज़ें क्या है अपने शब्दों में ढाल कर आपको बहुत एक प्रॉपर वे में बता सकता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप था हमारा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्टलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ, एक्टिव
एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। इसके अंदर वो चीज़ें आती हैं जब लास्ट में बच्चे को परिणाम मिलता है, यानी कि जब बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको क्या पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसका रिजल्ट मिल रहा है, वो सारी चीज़ें हमारी लास्ट उसमें आती हैं। मतलब जो हमारा साइकिल था ना, तो उसके अंदर बच्चा साइकिल के लर्निंग साइकिल के अंदर कैसे सीखता है, फर्स्ट कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस करता है, पहले देखता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करता है, देन उसके बारे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करता है, अपने खुद का चिंतन करता है, खुद का ब्रेन स्ट्रॉमिंग करता है, फिर उसके बाद इतना एक्टिव हो जाता है कि वो उसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है, कहीं पे अप्लाई करके देख सकता है, जिससे उसको पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के दो रिजल्ट उसको मिल सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। देन सेकंड आता है हमारा लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल यानी कि लर्निंग करने के स्टाइल क्या हैं, हम कैसे लर्निंग कर सकते हैं, इसको भी फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। नहीं, सेकेंड आता है हमारा लर्निंग स्टाइल, इसको भी फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया चारों पॉइंट्स। तो फर्स्ट आता है डाइवर्जिंग, यानी कि आपका अपसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जिंग थिंकिंग। डाइवर्जिंग थिंकिंग क्या होती है, जब आप एक ही पॉइंट को लेकर 10 तरीकों से सोचना आरंभ करते हैं ना, वो होती है आपकी डाइवर्जिंग थिंकिंग, यानी कि डाइवर्जिंग या अभिसारी थिंकिंग। उसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन चल पड़ी है, अपनी पटरी से छूट चुकी है और एक व्यक्ति उसके पीछे भाग रहा है, तो देखने वाले लोग उसके बारे में अपने अपने कॉन्सेप्ट बनाएंगे। कोई सोचेगा शायद उसका बैग अंदर छूट गया है, ठीक है, इसीलिए वो भाग रहा है, शायद उसकी ट्रेन छूट रही है, उसको ये ट्रेन पकड़नी थी इसलिए भाग रहा है, शायद वो किसी को सी ऑफ करने आया है, कुछ सामान देना छूट गया इसीलिए भाग रहा है। तो सबका जो सोचने का तरीका है वो अलग अलग है, तो एक ही पॉइंट को लेकर 10 तरीकों से सोचना होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि एक पॉइंट पर अगर आपका दिमाग इतना तेज शार्प है कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, अगर आप सोचते हैं कि ऐसे सॉल्व हो सकती है, ऐसे सॉल्व हो सकती है, अगर फॉर एग्जांपल मैथ्स का ही कोई कॉन्सेप्ट है, वो आपको रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू एक कॉन्सेप्ट के तरीके में पढ़ाया जाता है कि इसमें आप ये वाला फॉर्मूला पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं और क्रिएटिव होते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, अपना कुछ ना कुछ तिगड़म करके या उसके अंदर शॉर्ट ट्रिक मेथड्स अप्लाई करके उसको शॉर्ट वे में भी सॉल्व कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक ही चीज़ को हम 10 तरीकों से, अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ के ऊपर 10 तरीकों से सोचना होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये होता है लर्निंग स्टाइल, मतलब कैसे आप सीखते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि आपको अधिकम कैसे, किन किन तरीकों से कराया जा सकता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के अकॉर्डिंग आपको लर्निंग कराई जा सकती है, आपको एक पॉइंट के ऊपर 10-10 तरीकों से बता के आपकी लर्निंग कराई जा सकती है। सेकंड आता है आपका एक्सिमिलेटिंग। इसके अंदर क्या होता है, इसके होता अंदर होता है आत्मसातकरण। इसका हिंदी मीनिंग है आत्मसातकरण, यानी कि देखना व चिंतन करना। अगर जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि फर्स्ट वो देखता है, वही यहाँ पे चीज़ है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग में पहली एक पॉइंट के ऊपर 10 चीज़ें बताई जाती हैं। सेकंड में आप आत्मसातकरण करते हो, यहाँ पे था रिफ्लेक्टिव में कि अंडरस्टैंड करते हो, तो आत्मसातकरण के अंदर भी आप वो सारी चीज़ें देखते हो, चिंतन करते हो कि आपको किस चीज़ के लिए यहाँ पे क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, किस वे में करनी है, क्या उसके प्रॉपर तरीके हो सकते हैं, क्या क्या उसके लिए और अच्छे वेज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, जहाँ पर पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान जोड़ा जाता है वहाँ आत्मसातकरण होता है। इस तरह के व्यक्ति लोगों के द्वारा कही गई बातों से ज़्यादा आमूर्त संप्रत्यय और विचारों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो आत्मसातकरण के अंदर क्या होता है, जो हमारे अर्लियर एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हम नए अपने एक्सपीरियंसेस के अंदर जोड़ते हैं, और हमें पता होती है कि हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हमारी न्यू लर्निंग में कहाँ कब कैसे हेल्पफुल होंगे। और जो इस टाइप के बच्चे होते हैं ना,
आत्मसातकरण करने वाले, लर्निंग करने वाले, एनिमेशन करने वाले, वो कैसे होते हैं? वो किसी की बात नहीं सुनते। अगर आप उनको कुछ बता रहे हैं कि बेटा ये नहीं, इसको इस तरीके से करो, वो नहीं सुनेंगे। वो खुद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेंगे, वो खुद का चिंतन करेंगे कि मुझे इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है कि ये जल्दी अच्छे से हो सके और कम टाइम लगे और प्रॉपर वे में उसी तरीके से सॉल्व हो सके, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड, कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये इसका अपोजिट है। डाइवर्जन यानी कि एक पॉइंट पे आपको 100 तरीकों से कैसे सोच सकते हैं, और कन्वर्जेंट यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, आप एक ही पॉइंट पर एक तरीके से कैसे सोच सकते हैं। इसके अंदर अभी सारी के अंदर आता है करना और चिंतन करना। कुछ पहलुओं पे हम यहाँ पे इंटरपर्सनल लेके चलते हैं। मान लीजिए अगर कुछ बच्चे होते हैं ज़्यादा उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं होती है, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेन के पीछे अगर कोई व्यक्ति भाग रहा है तो वो 10 वे में सोचे कि शायद इसका बैग छूट गया होगा, किसी को सी ऑफ करना होगा, किसी को कुछ करना होगा, वो इतने तरीक़ों से नहीं सोचेगा। वो क्या करेगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर उसका एक ही पॉइंट होगा कि शायद उसको ट्रेन पकड़नी होगी, वो छूट गई, बात खत्म। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि कन्वर्जिंग में वो थोड़ा इंटरपर्सनल होता है, उसकी थिंकिंग इतनी स्ट्रांग या इतनी एबिलिटीज स्ट्रांग नहीं होती है कि वो एक पॉइंट के ऊपर 100 तरीकों से सीख सके या 100 तरीकों से चिंतन या मंथन ब्रेन स्ट्रॉमिंग कर सके। वो क्या करता है, अपने कन्वर्जेंट थिंकिंग के अकॉर्डिंग अपना एक ही पॉइंट रखता है कि वो शायद ट्रेन छूट रही है उसकी, इसीलिए वो इस ट्रेन के पीछे भाग रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है समायोजन करना, यानी कि एकोमोडेटिंग करना, यानी कि डूइंग एंड फीलिंग या महसूस करना, ठीक है। इस तरह के व्यक्ति दूसरों द्वारा किए गए विश्लेषण पर एक प्रायोगिक व अनुभविक उपागम का प्रयोग करते हैं। मतलब जो लास्ट टाइप के लोग होते हैं, एकोमोडेटिंग जो लोग होते हैं, समायोजन करने वाले, वो किसी भी तरह के एडजस्टमेंट में जो अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, जो अपने रूल्स होते हैं, उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरों की बात सुनते ज़रूर हैं लेकिन अपना किस तरीके से अप्लाई करना है। जैसे आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने स्कूल वगैरह में, कि वो सबकी बातें सुनते हैं कि आपके टीचर आपको इस पॉइंट पे क्या बोल रहे हैं, आपकी फैमिली आपको क्या बोल रही है, आपके फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, लेकिन करते वही हैं जो उनका दिल कहता है, ठीक है। आपको करना वही है, आपने सबका सुन लिया, इस कान से सुना, इससे निकाल दिया, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। या फिर वो बच्चे ये करते हैं कि जो मुझे अपने लिए पॉजिटिव पॉइंट्स लग रहे हैं, बेनिफिट वाले पॉइंट्स लग रहे हैं, वो मैंने रख लिए, नेगेटिव निकाल दिए, ठीक है। लेकिन करना मुझे लास्ट में वही है, ऐसे ही करना है समायोजन, कि मुझे मेरे लिए हेल्पफुल हो और जो चीज़ मुझे करनी है उसके लिए मैं लास्ट में वो चीज अचीव कर सकूं, ठीक है। तो ये क्लोब की थ्योरी थी जो हमारे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, पूर्व अनुभवों पे बेस्ड इन्होंने रखी थी, कि सबसे ज़्यादा आपके जो अर्लियर एक्सपीरियंसेस हैं और जो आपके न्यू लर्निंग में हेल्प करते हैं वो आपके लिए यूज़फुल है। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर इन्होंने जोर दिया था कि बच्चे अमूर्त चीज़ों में जब चिंतन करते हैं, ब्रेन स्ट्रॉमिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए यूज़फुल होता है, क्योंकि वो अब उसी चीज़ को थिंकिंग करके अपनी भाषा में ढालना सीख जाते हैं। उसके बाद इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था क्लोब ने, एक लर्निंग साइकिल दिया था उन्होंने कि 1 by 1 सीखा जाता है। उसमें सबसे पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस से कि बच्चे को हम दिखा के सिखाते हैं, फिर उसके बारे में बच्चा रिफ्लेक्टिव यानी कि अंडरस्टैंड करता है, देन उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, खुद सोचता है, खुद चिंतन करता है उसके बारे में, देन लास्ट में उसको एक्सपेरिमेंट करके देखता है जिससे उसको पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स उसके सामने आते हैं। और उसके बाद लर्निंग स्टाइल्स रखे थे कि हम किन किन तरीकों से सीख सकते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखी थी, डाइवर्जिंग यानी कि एक पॉइंट पे 100 तरीकों से भी हम काम कर सकते हैं। उसके बाद
एसिमिलेटिंग रखा था कि आत्मसातिकरण कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, किस पे वो जो हमारे अर्लियर एक्सपीरियंसेस को न्यू के साथ कैसे ज्वाइन किया जाए कि हम न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए हमारे लिए हेल्पफुल हो। उसके बाद कन्वर्जन तरीके से सीख सकते हैं कि कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है आपकी क्लास में कि वो एक पॉइंट पर 100 तरीकों से ना सीख कर एक पॉइंट पर एक ही तरीके से सीखे, तो उसके लिए भी आपको हेल्पफुल लर्निंग करनी है। और लास्ट में एकोमोडेटिंग था कि समायोजन करते हुए चलना है कि बच्चों के सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, आप उनको सही चीज़ें बताइए और उनके लिए यूज़फुल करिए, लेकिन उनको प्रेशराइज मत करिए कि आपको इसी तरीके से करना है, यही चीज़ करनी है। आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आपको लास्टली आपको बस प्रॉपर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने चाहिए। तो अगर वो रिजल्ट्स आपको उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग शॉर्ट वे में मिलते हैं या आपके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म मेथड्स में मिलते हैं, डजेंट मैटर, आपको लास्ट में बस पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने चाहिए। तो इसीलिए बच्चों पे किसी टाइप का प्रेशराइज मत करिए कि ये चीज़ करनी ही करनी है, आपको बच्चों को फ्री रखना है, बस आपको ये चीज़ चाहिए कि आपको रिजल्ट्स लास्ट में अच्छे मिले ताकि बच्चा लास्ट में अपना समायोजन कर सके। ठीक है, तो ये वाली जो थ्योरी है वो यहीं पे फिनिश होती है। इसी से रिलेटेड, मतलब इसी के आगे वाले स्टेप में एक और थ्योरी है, मैं अभी इसी के साथ ही डिस्कस करती हूँ आपके लिए, लेकिन उसका थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसीलिए मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी आपके लिए। थैंक यू सो मच।